हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रिया और यहाँ मैं शेयर करती हूँ आपसे अपने कलेक्शन, सम आइडिया, सम थॉट, सम टिप्स एंड मेनी मोर। चलिए चैनल को शुरू करते हैं। आज है विश्व योग दिवस। जी हाँ, आज है 21 जून। आप जानते ही होंगे, बहुत दिन से मैसेज आ रहे होंगे, बहुत दिन से फ़ोन कॉल्स आ रहे होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि आज है विश्व योग दिवस। तो आप सभी को मेरी तरफ से विश्व योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। योग करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, कोरोना को हराने के लिए आप जितने भी इम्यूनिटी बूस्टर ले रहे हैं उनके साथ साथ उसमें एक योग भी इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप योग करेंगे ना आपकी बॉडी स्ट्रांग रहेगी बिल्कुल। और योग की बात मैं कर रही हूँ तो उसमें एक चीज़ बताना चाहूँगी आपसे कि गाइस, योग में आप अगर आपका कंसंट्रेशन पावर वीक है, आप किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए योग सबसे बेस्ट ऑप्शन है और वो है मेडिटेशन। जी हाँ, मेडिटेशन आप मॉर्निंग उठ के करिए। और मेडिटेशन में जैसे आप ओम बोलते हैं ना, ओम, तो ओम का जो उच्चारण है वो पूरा माइंड पूरा अंदर से निकलता है, ऐसे लग रहा माइंड तक पूरा ऐसे एक मतलब अर्थ की तरह बिल्कुल ऐसे घूमता है। तो ओम का जो उच्चारण है वो आपके कंसंट्रेशन पावर को काफ़ी स्ट्रांग बनाएगा। तो विश्व योग दिवस पे ये ठान लीजिए कि आपको हर दिन कुछ न कुछ योग करना है। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, अगर आपको जैसे डायबिटीज़ है, हाथ पैर में जैसे अकड़ जाता है, हाथ पैर में कहीं दर्द है बॉडी में, तो आप योग कुछ न कुछ योग बहुत सारे के डिफरेंट टाइप्स के योग हैं, आपको यूट्यूब, न्यूज़पेपर एंड टीवी हर जगह आपको मिल जाएगा। तो उनमें से योग सीखिए और योग करिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपनी फैमिली को स्वस्थ रखिए, अपने अगल बगल, अपने पड़ोसी, अपने दोस्त यार सबको स्वस्थ रखिए और उनसे बोलिए कि योग करें, उनके साथ मिलकर योग करिए। एंड गाइस, आज हैप्पी फादर्स डे, तो उन फादर्स के लिए मेरे दिल से दुआ है, मेरे दिल से बहुत ज़्यादा प्यार है अपने फादर के लिए, आपके फादर के लिए जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए भी, और उन फादर के फादर के लिए मेरा बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा प्यार है। क्योंकि पापा, आप हो मेरे लिए बहुत ख़ास, आप हो मेरे जज्बात, आप हो मेरी आन, आप हो मेरी शान, पापा आप हो मेरी दुनिया। तो गाइस, पापा का रिस्पेक्ट करिए, मदर्स की जगह अपनी जगह है, पापा की जगह अपनी जगह है। पापा के लिए मैं दो ही शब्द बोलूँगी कि पापा आप बिल्कुल नारियल की तरह हो। ऊपर से पापा लोग ना बिल्कुल हार्ड होते हैं, मतलब वो दिखते नहीं हैं कि उनकी आँख से आंसू भी निकलते हैं, वो दिखते नहीं हैं कि वो रोते भी हैं, वो दिखते नहीं हैं कि हाँ इसमें क्या है, इसमें क्या, ये क्या, वो क्या। पापा अंदर से रोते हैं, वो अंदर से बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत केयर करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे लिए इतनी कड़ी धूप में, चिलचिलाती धूप में, जब अपने घरों में पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस इस समय ले रहे हैं, लेकिन हमारे पापा क्या कर रहे हैं, हमारे पापा बाहर जाके ड्यूटी कर रहे हैं ताकि वो हम लोग का, अपने परिवार का पेट पाल सके, उनका ख्याल रख सके, अपने बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना होने दें, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका कपड़ा सब कुछ वेल मेंटेन हो जैसा वो चाहते हैं। तो पापा के आदर्शों को, पापा आप पापा के आदर्श हैं और पापा ने जैसा आपको सीख दी है, जैसा सिखाया है, उनके अरमानों को पूरा करिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस अपने पापा की रिस्पेक्ट करनी है और मेहनत से पढ़ाई करनी है और उस मुकाम तक जाना है जहाँ तक आपके पापा चाहते हों। गाइस, मेरी तरफ से मेरे दिल में जितनी भी अच्छी विशेस हैं उन फादर्स मदर्स के लिए हैं जो अपने बच्चे के लिए पूरे जी जान से मेहनत कर रहे हैं। एंड मदर्स जो हैं वो थोड़ा इमोशनल होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, जल्दी आँख में आंसू भर जाते हैं उनके, पर फादर्स ऊपर से बिल्कुल कठोर होते हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। मेरी बेटी ने अपने पापा के लिए ये बनाया है कल से ही, और वो काफ़ी एक्साइटेड थी कि पापा आएंगे, मैं पापा को दिखाऊंगी, पापा ये बैच ऐसे लगाएंगे, तो ये उसका बनाया हुआ है। तो अभी वो सेकंड क्लास में ही है, तो उसने जैसा उसको समझ में आया उसने बनाया है, थोड़ी सी कटिंग में मैंने हेल्प करवा दी है, बट उसका ये शौक था बनाने का कि फादर्स डे पे मुझे कुछ देना है पापा को। तो गाइस, ऐसे आप भी अपने घर बनाइए, अगर जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं मैं उनके लिए कहना चाहूँगी पापा के लिए कुछ अच्छा सा केक बनाइए, उस पर लिख दीजिए हैप्पी फादर्स डे, चॉकलेट से चॉकलेट को ग्रेट करके लिख दीजिए हैप्पी फादर्स डे। मैंने इतने सारे चॉकलेट, इतने सारे केक वैरायटी यूट्यूब पे है, केक बनाने की रेसिपी, इसकी रेसिपी, उसकी रेसिपी, तो जो आपके पापा को पसंद है आप उस तरह की चीज़ें बनाइए, अपने पापा को खिलाइए, शेयर करिए, अपने खाइए एंड हैप्पी रहिए। आज का दिन है संडे, संडे है 21 जून, 21 जून आज है विश्व योगा दिवस एंड है फादर्स डे।
एंड आपको गाइस बता दूं, आज सूर्य ग्रहण भी लग रहा है जो 6:06 का रहेगा, 6 मिनट कुछ सेकंड का रहेगा। तो आई थिंक वो 10:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक रहेगा। तो बस ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, मास्क लगाए रहिए, सुरक्षित रहिए। एंड फादर लास्ट में मैं फादर्स डे में ये कहना चाहूँगी कि एक छोटा सा सॉन्ग है जो आप सुन लीजिए, वो ये पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा बड़ा काम करेगा, लेकिन ये कोई कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, पापा मेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है, पापा, लव यू पापा, पापा मेरे पापा। गाइस ये छोटे छोटे सॉन्ग है ना, जो कभी आप देखते होंगे जब आप अकेले में बैठ के थोड़ा सा काम फ्रेश होके थोड़ा सा मतलब बैठ के गाते होंगे ना, तब आपको लगता होगा कि अरे ये गाते आपकी आंखें। कुछ कुछ विदाई के सॉन्ग हैं पापा के ऊपर, बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग हैं, उनको कभी सुनिएगा ना तो आँख से आंसू भर, जैसे कि बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, और बहुत सारे सॉन्ग हैं छोटे छोटे। एक तो पापा मेरे पापा हैं, चंदा ने पूछा तारों से हैं, और इतने छोटे छोटे राइम्स हैं। एक नेहा कक्कड़ का गाया हुआ काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, जैसे नेहा कक्कड़ ने मदर्स डे पे गाया था माँ के लिए, वैसे फादर्स डे पे एक सॉन्ग है पापा के लिए, काफ़ी अच्छा सॉन्ग है। गाइस तो सेलिब्रेट करिए आज का दिन, एंड थैंक यू पापा, लव यू पापा, जहाँ भी हैं आप स्वस्थ रहिए, क्योंकि कोरोना तो है ही। अपने पापा को सेफ रखिए, पापा का बर्थडे सॉरी पापा का ये फादर्स डे ना सेलिब्रेट करिए। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया ना, तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा गाइज। अगर आप लाइक सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट नहीं करेंगे ना, तो आपके जो जो मेरे वीडियो के नए नए मेरे वीडियो आते हैं ना, वो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। तो अगर मेरा वीडियो ज़रा भी आपको अच्छा लगता हो, पसंद आता हो, तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, लव यू। अपना ख्याल रखिए, अपने पापा मम्मा का ख्याल रखिए, क्योंकि वही आपकी दुनिया है और आप उनकी दुनिया है। ठीक है, बाय बाय, योग करिए।